पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। चोरी कर रही, चोरी पैसे निकाल रही है गाइस। देख इसको, देखो ये पापा के पैंट में नाड़ा डाल के लगा रही है। वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सारे बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आप सभी को प्यार और आशीर्वाद से। हम भी बिल्कुल ठीक है। अभी इसे चार दिन बाद उठाया है, बुखार चढ़ गया था चार दिन तक। तो अभी सिमो भी बिल्कुल ठीक है, इधर खेल रही है। पापा, हाँ जी पापा, क्या खा रहे हो? पापा, हाँ जी सिमो बिस्कुट। क्या हो गया? पापा, हाँ जी आ जाओ। मार दिया पापा को। हाँ जी चलो बोलो, हेलो बोलो। इधर मार दिया आँख में आपने। हेलो बोलो सबको, बोलो हेलो, बोलो हेलो करो। इधर दिखाओ ना, बिस्कुट दिखा दो। बिस्कुट बोलो, मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। बिस्कुट दिखा दो। बिस्कुट दिखा रहे हो? बिस्कुट दिखा रहे हो। तो गाइस अभी हो रहा है दोपहर के टाइम और अपना सामान सुमून भी बन चुका है दुकान के लिए। और आज चार दिन बाद मैं दुकान लगा रहा हूँ। तो इधर देख सकते हो सामान वगैरह सारा कुछ तैयार हो गया है। और इधर आशीष बिस्कुट खा रहा है। और क्या कर रही है? इसको देखो ये पापा के पैंट में नाड़ा डाल के लगा रही है। गजब बेइज्जती है। अभी आप क्या करके आए? ये देखो पैसे इकट्ठे कर। कुछ तो 150 मिनट दिन उन्ना कहीं कहीं ओ देखो पापा को मार दिया ना मम्मा ने पापा को मार दिया, तभी रो रही है। नहीं नहीं मजाक कर रही थी, चलो मम्मा मजाक कर रही है। अच्छा अच्छा ओके ओके ओके, नहीं मारना चाहिए था ना पापा को। ओके बस बस बस, मम्मा को मारेंगे फिर जाकर, ठीक है? ओ पापा को मारा ना मम्मा ने, पापा को मारा मम्मा ने। चलो मम्मा को गाली करके आते, गाली देते, ठीक है? चलो चलो मम्मा को गाली दे। ओ क्या कर रही है? 200 रुपए से जिगना दिन यार, 100 रुपए। चोरी कर रही, चोरी पैसे निकाल रही है गाइस। देखो बोर्ड की से तेरा क्या बोला तूने? बुड़की से पैसा निकाल रहे, बुड़की से, बुड़की जैसी लड़की है ये। अरे मार खाने वाला फेरी। मम्मा को गाली कर दो थोड़ा। चिमटी भी चाहिए यार, क्या निकालना है? मत निकाल यार। यार मिठू 200 रुपए दे दूँ। ना देखा। 200 रुपए चाहिए यार बस। चलो। तो गाइस अभी हो रहा है दोपहर के टाइम और अभी खाना बनाने का टाइम हो गया है। तो अभी मैं बनाने वाला हूँ नेपाली नेशनल फूड। वो क्या होता है आपको बताऊँगा कैसे बनता है। आज वो बना के खाने वाले हैं, मैं खुद बनाने वाला हूँ नेपाली नेशनल फूड। चलो अभी किचन में चलते हैं तो आप लोगों को दिखाते हैं कैसे बनता है नेपाली नेशनल फूड। गाइस इधर पतीला में पानी रख दिया है अपन ने, अब इसका उबलने का वेट करते हैं। तो गाइस इधर देखो उषा कपड़ा धो रही है, कैसा फील हो रहा है उषा जी? गाइस अभी पानी उबल चुका होगा, अंदर जाके देखते हैं। और जिस जिसने भी ढीड़ो खाया सारे कमेंट करके जरूर बताना किस किस ने खाया है और किस किस को नाम पता है। पानी उबल चुका है इधर। तो गाइस पानी उबल चुका है, अब इसमें हम डाल रहे हैं ये है गेहूं का आटा। में सारे इकट्ठे डालना पड़ता है जितना भी डालना है। तो गाइस ये अभी बिल्कुल हार्ड हो चुका है, अब इसको अकेले नहीं कर पाएंगे, इसको ये हिला नहीं पाएंगे। अब एक जने पकड़ेंगे इसको और एक जने हिलाएंगे। तेरा क्या बोला तूने? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अभी बिल्कुल हार्ड हो गया है, इसको बिल्कुल अच्छे से करना पड़ता है, नहीं तो अंदर सूखा आटा रह जाता है। तो इसको बाहर ले जाते हैं एक खुला जगह में, फिर वहाँ पे कर लेते हैं।
गाइस अपना नेपाली नेशनल फूड बनकर तैयार हो गया है, आप लोग देख सकते हैं इधर। इसको बोलते हैं नेपाली में ढिड़ो, और ये है दाल। इसको क्या बोलते हैं पता नहीं, इसको नाम नहीं पता मेरे को, नेपाली में न्यूरो बोलते हैं, यहाँ पे पता नहीं क्या बोलते हैं। और ये रहा टमाटर की चटनी, ये रहा नींबू, और ये रहा मूली और प्याज के सलाद। तो आपको बना कर तो दिखा लिया है, अब खा के भी दिखाते हैं इसको किस तरीके से खाते हैं। चबाना नहीं है, ऐसे ही निकलना है इसको। तो उसके बाद एक नंबर, चल झूठा। तो गाइस अभी अपना खाना पीना हो चुका है, और आज के टिपिकल नेपाली नेशनल फूड आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि सब कुछ फ्री में है। कोई तरीका है भीख मांगने का? तो लाइक सब्सक्राइब करने में आपके जेब से कुछ नहीं जाता, खुला है, फ्री है, सब कुछ दबा दो कट्ठे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए मैं इसी तरीके का मजेदार वीडियो लाता रहूंगा। मिलते हैं कल के वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।